हाथरस सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला वट्टारी रामपुर में घर के पास सड़क पर खेल रहे तीन बच्चे लापता हो गए। पीड़ित परिवारों ने रात भर ढूंढने के बाद सुबह कोतवाली में आकर तहरीर दी। पुलिस छानबीन में जुट गई है। पीड़ित परिजनों के अनुसार गुरुवार की शाम 6:30 बजे 14 वर्षीय शिवम पुत्र सत्यपाल बघेल, 12 वर्षीय आकाश पुत्र योगेश जाडौन एवं 13 वर्षीय मनोज पुत्र संतोष जाडौन गांव में अपने घर के पास ही सड़क पर खेल रहे थे। जब काफी समय तक वह घर नहीं आए तो परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने बच्चों को खोजना शुरू किया, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात लापता बच्चों के परिजन इधर से उधर बच्चों को ढूंढते रहे, परंतु उनका कोई पता नहीं चल सका। थक हार कर सुबह 8 बजे परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। क्या क्या घटना हुई? कुछ नहीं, घूमने रोड पर बात से खेल रहे थे। अच्छा, रोड पर खेलते रहे थे और 6 बजे गए और 7 बजे तक खेले कूदे और 7 बजे के बाद घायल में लड़के 7 बजे के बाद तलाशी में आई है। सुबह 8 बजे तक उन्होंने छानबीन के लिए, फिर छानबीन तो फिर 100 नंबर पर फोन किया। कोई रंजित वंजित है क्या आपके गाँव में? किसी से रंजित नहीं, किसी का कोई शक जाता हो कैसे बच्चे गए हुए? नहीं सर।